cabin. Somebody should have. What was gone? छोटा सा गाँव है या बड़ा गाँव है? छोटा गाँव सर। आपके लाइन सर में जो म्यूजिक करियर चल रहा है, आपने छोटी उम्र में सोचा था कि मैं सुनने के जाने की नहीं सोचा तो छोटी उम्र में नहीं था, जब अपने समझ बढ़ गई तो तय कर दिया कि मैं म्यूजिक में बैठ जाता हूँ। एम ए म्यूजिक किया, बी ए म्यूजिक, एम ए म्यूजिक, और ऐसे सब कुछ। अभी आपको कितने साल हो गए सीखते हुए? 1993 से सीख रहा हूँ सर, मतलब करीब करीब 20 साल हो गए। छोटे मोटे कॉन्सर्ट अभी आप मुंबई में हैं, कितने साल हो गए मुंबई? मुंबई में आके 12-13 साल हो गए, 2000 से मुंबई में। मुंबई के सफर के बारे में कुछ बताएंगे, आपका सफर कैसा रहा है? बहुत खट्टे मीठे स्वाद है सफर में, जैसे कि भली बुरी चीजें हैं कुछ याद। मुंबई में आके जीना सीखा, कैसे जीना कैसे होता है ये सीखा मुंबई में। सिर्फ वो जो जुनून होता है जो गांव में बैठ के हम लोगों ने दिमाग में पाला हुआ होता है, उसकी सच्चाई या उसको जमीन पे लाने का काम मुंबई का होती है। ऐसा लम्हा याद आता है कि जब आपको कुछ सफर करना पड़े ऐसे समय कुछ ऐसा बड़ी बात है सर। ट्यूशन से मैंने मैं मुलुन से वाशी लगा था, और अचानक एक दिन मालूम नहीं था, मैं बस तो चल रहा था बेस का, तो बस से पहुंचा ट्यूशन करने के लिए जहाँ जिनके घर ट्यूशन लगा, जाने का सिर्फ भाड़ा था सर। और वहाँ पर जाने के बाद पता चल गया कि वाशी बंद है, और किसी से पहचान नहीं है वहाँ पर, किसी की पहचान नहीं है। वहाँ से मैं मुलुन तक चलते आ रहा हूँ। कितने किलोमीटर का हो गया था? पता नहीं सर, अभी वहाँ से उन दिनों में 12 रुपये टिकट था, 1904 के आसपास, 2003 के 35 किलोमीटर सफर जो है आपने करीब 35 किलोमीटर। क्या सोच थी आपकी? मैं उस दिन तय किया कि अभी पैसे तो मांगेंगे नहीं किसी से, और बस के रूट से चल के जाएंगे, नहीं तो खाली पड़ा था दिन मेरे पास। अच्छा, तो मैं ऐसे ही आया मजा मस्ती करके अपने दिमाग के साथ खेलते खेलते, मतलब रात में म्यूजिक था, तो कोई ऐसा लम्हा याद है जब आपको बहुत किसी ने अप्रिशिएट किया हो? मेरे गुरुजी की बात है, गुरुजी का नाम है उस्ताद शाहिद परवेज, तो उनके साथ दो ढाई साल हम लोग इकट्ठे उधर रह के, मतलब मैं पुणे में रह के उन्हीं के घर के पास में एक रूम ले लिया था, और उधर से मैं सीखा था उनसे, तो साथ में क्रिकेट वगैरह भी खेलते थे हम लोग। तो क्रिकेट खेलते खेलते उन्होंने एक दिन अपने बेटे को, मेरी बॉलिंग वो अपने बेटे को खिलवाते थे, तो उस दिन उन्होंने कहा था कि ये घिसा हुआ है इसे सीख लो, भले उसके पास टेक्निकल चीज़ें बहुत कम हैं लेकिन है घिसा हुआ इसकी बॉलिंग, या बाकी भी सारी चीज़ों में उनका यही राय थी। तो ये अप्रिसिएशन मेरे लिए सबसे बड़ा। क्या उम्र क्या एकदम? तो उन दिनों में मैं अंडर ग्रेजुएशन कम्प्लीट कर पोस्ट ग्रेजुएशन में था, तो तब आपने सोचा था कि आप किसी स्कूल में काम करेंगे, विद्यालय में? टीचिंग मेरा शुरू से हॉबी रहा है, लेकिन स्कूल में जॉब करूंगा ऐसे कभी सोचा नहीं। क्यों आपने क्यों नहीं? क्योंकि एक फिक्स जॉब में क्या होता है, आपका टाइम ज़्यादा है, और रियाज करने के लिए या एक एक क्या बोलते हैं, खाली खाली समय की ज़्यादा ज़रूरत होती है, या फिक्स बना हुआ आपका टाइम नहीं होना चाहिए। आपका जब भी दिल करे बैठे रियाज करें, इंस्ट्रूमेंट ले लिया बजाया। या कभी आपको अब आप स्कूल में कितने साल से काम कर? स्कूल में 4 साल हो गए सर। तो 4 साल में कभी ऐसी फील नहीं आती कि मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा काम करना, और आदमी को रियाज करने? मैं जैसे बोला कि मुंबई ने मुझे जीना सिखाया, मैंने आते आते वैसे म्यूजिक करने वाले लोगों के साथ या आर्ट फॉर्म करने वाले लोगों के साथ स्प्लिट पर्सनैलिटी हो जाती है इंसान की माइंड में, वो साइमल्टेनियसली अपने कलाकार को भी संजोता रहता है
और उसको पेट के लिए अपना जो भी कुछ है करने के लिए मजबूर कर देता है पेट। तो मैंने अपने पेट के लिए जो रास्ता चुना था ट्यूशन का पढ़ा सिखाने का म्यूजिक सिखाने का, फिर एक दिन आते आते मैंने मेरे अंदर के दो इंसानों में से कलाकार को साइड में रख दिया है कुछ दिनों के लिए, और टीचर को मैंने जिंदा करके रखा हुआ है कि ताकि पहले मैं अपने आप को एस्टेब्लिश करूँ सोसाइटी में कुछ। वो जो खत्म की याद है उनको आप म्यूजिक के जरिए कैसे कुछ सुना सकते हैं, कुछ आप कुछ ऐसा बजा के स्ट्रगल को बताया म्यूजिक का सतत निरंतर मिलता रहता है। बिल्कुल सर। और बच्चों के साथ काम करके कैसा लगता है? बच्चों के साथ बहुत मजा आता है सिखाने में, उनके साथ सिखाते सिखाते बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है जो हम लोगों ने इनिशियल लेवल पे नहीं सीखा था। उनको सिखाते सिखाते अपने आप को रियलाइज हो जाता है कि अरे ये चीज तो ऐसी तरह से सिखानी चाहिए थी, या मुझे ऐसी किसी ने नहीं बताया था, ये मैं अपने बच्चों को बताता हूँ। तो उस टाइम में बहुत मजा आता है जब कोई चीज नए से अपने दिमाग में आ जाती है जो बिगिनर्स के लिए जरूरी होती है। तो कोई ऐसा बच्चा जिसकी कोई अच्छी बात आपको लगी हो आज तक? ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं, कुछ आपको याद हो किसी की बात कोई कॉम्प्लीमेंट कोई? ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते एक दिन का किस्सा है सर, मैं बच्चों को या बच्चों के पेरेंट्स लोगों को बताता हूँ कि उसको पीछे घर में प्रैक्टिस नहीं करना है, और फिर क्लास में बैठ के मैं उनका प्रैक्टिस भी लेता हूँ और सिखाता भी हूँ, साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें चलती हैं। तो एक दिन सिखाते सिखाते एक बच्चे को मैंने बोला कि ये ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे कर, डरता क्यों है, भाग क्यों रहा है, मैं क्या भूत हूँ क्या? तो वो बच्चा तो ऐसे फिर बजाने लगा, लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये जोक आ गया कि बच्चा से बच्चे की तरफ से ऐसा जवाब आया कि आप भूत से कम थोड़ी ही हो सकते। तो ये सिखाते सिखाते ऐसे ऐसे जोक भी दिमाग में आ जाते हैं, बच्चे की तरफ से कुछ नहीं आता है लेकिन अपने ही दिमाग में कुछ उथल पुथल चलती रहती है, उसके साथ जोक भी बन जाते हैं। कोई बच्चे की अगर चंचलता आप बतानी हो तो म्यूजिक के जरिए बता सकते हैं कि बच्चे की चंचलता क्या है, किस तरीके से बच्चे की चंचलता? कुछ भविष्य के बारे में, कुछ भविष्य के बारे में इस बढ़ती महंगाई की बात में आप क्या कहना चाहते हैं? इन्फ्लेशन जो बढ़ता जा रहा है, प्राइवेट नौकरी में सर्वाइव नहीं कर पा रहे, चलता है का तरीका तो जा रहा है, महंगाई तो बढ़ने वाली है, मेरे रोके से तो नहीं रुकेगी और मेरी रिएक्शन से भी उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मैं बोलूँगा कि जैसे भी है जो भी है खाले दिल जैसा भी रहे खुश रहो, आबाद रहो, चाहे फरीदाबाद रहो या मुंबई रहो। हिंदुस्तान की मंत्रियों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मंत्री सिस्टम जो सरकार है वो म्यूजिक के लिए कुछ करे या उसके सर्वाइवल करने के लिए जो लोग हैं उनके लिए कुछ? गवर्नमेंट करती बहुत कुछ है लेकिन वो इस्टेब्लिश लोगों के लिए करती है, जो अपकमिंग लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है, कोई भी स्कीम नहीं है गवर्नमेंट पर। इस्टेब्लिश कोई कर देता है, कोई गोल्ड मेडल ले लेता है, कोई अच्छा इस्टेब्लिश हुआ कलाकार है उसको आप ऑनर से अवार्ड देते हैं, पैसे दे देते हैं, उनको घर देते हैं, उनको सब कुछ दे देते हैं जो पैसा कमा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में ऐसा दिल नहीं करते कभी छोड़ दें सब कुछ और कहीं निकल जाए दूर अकेले में? छोड़ने को कभी जी नहीं किया कभी नहीं जी किया, क्योंकि जिस चीज़ के साथ मैं यहाँ तक आया हूँ उसी चीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भी। अगले जन्म में क्यों, इसी जन्म में पूरा करूँगा, चाहे बाल सफेद क्यों ना हो पूरा तो करूँगा जरूर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जाते जाते कुछ अपने मन की कोई चीज़ कर। Thank you.
संदेश देना चाहेंगे यंग जनरेशन के लिए? बच्चों के लिए क्या संदेश दे? जैसे भी दुनिया बदल रही है उस तरह की ऐसे बदलो, अपने आप को ढालो उस नए 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 माहौल में, नए 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 संस्कारों में, नए कल्चर जो भी आ रहा है, यही मैं कहूँगा। पुरानी अपने संस्कार तो मिलते ही जाते हैं, मम्मी पापा से मिल रहे हैं, शिक्षकों से मिल रहे हैं, लेकिन वो लोग जो पुराने संस्कार आपको देने वाले हैं वो नई चीज़ें नहीं दे सकते हैं ना, वो तो बच्चे को अडॉप्ट करनी पड़ेगी। जो पुराने धरोहर है इसको भी साथ में, वो धरोहर तो साथ में मिलेगी क्योंकि बचपन आपका आप 5,000 साल की परंपरा है आपकी, धरोहर तो आप साथ में लेके जाने वाले, वेदों से चली आ रही परंपरा है आपकी, आप ऐसे छोड़ेंगे थोड़े। लेकिन जो नई चीज़ें आ रही है आपको वेस्टर्न कंट्रीज से या आधुनिक विज्ञान के साथ साथ, उन चीज़ों को तो आपको खुद को अडॉप्ट करना पड़ेगा, वो पुराने लोग नहीं दे सकते। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी कॉन्सर्ट में। बिल्कुल, धन्यवाद।